हनुमानगढ़ में महिला को शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया कि विकास नागपाल नाम का युवक उसे शादी का झांसा देकर 9 साल देह शोषण कर रहा था, जबकि विकास ने किसी और से शादी कर ली थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि विकास ने उसकी बेटी से भी दुष्कर्म का प्रयास किया है और साथ ही विकास का भाई भी इस काम में शामिल है। बताया जा रहा है कि विकास नागपाल एक राजनीतिक दल में पदाधिकारी भी रह चुका है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला थाने में कल मुकदमा नंबर 99 दर्ज हुआ है। थोड़ा उम्र 30 वर्ष, हनुमानगढ़ टाउन ने विकास नागपाल और सन ऑफ विनोद नागपाल, विक्रम नागपाल सन ऑफ विनोद नागपाल और इंदिरा खूंगर के खिलाफ दर्ज करवाया है। ये 3450, 376 डी, 376, 511, 366, 354, 504, 109 IPC, 7/8 पोक्सो एक्ट और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जो मुझे आज ही मिला है।